ओके, ये फॉलोअप है पेशेंट का। पेशेंट को हम लोगों ने 30 तारीख को सर्जरी करी थी, 30th of October को, एंड दिस इज नाउ आफ्टर सम 10 डेज। सो दिस इज नाउ, अभी देखेंगे निप्पल पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। निप्पल को ऊपर कर दिखाओ, राइट ऊपर कर दिखाओ। या दिस इज अदर साइड, दिस साइड का निप्पल, दिस इज ये साइड का निप्पल। चलो टर्न वन साइड, टर्न वन साइड। सो अगर एक साइड टर्न करेंगे, सो देट वॉज ह्यूज प्रोजेक्शन एंड दिस इज नाउ। चलो टर्न अदर साइड, अदर साइड का प्रोजेक्शन एंड दिस इज नाउ। सो हम लोग जनरली ये निप्पल है पेशेंट को, पेशेंट या बाकी जो भी पेशेंट थे उनका यही कंसर्न होता है कि निप्पल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। जनरली ऐसा होता है कि निप्पल पेंशन बढ़ा लो आप तो वो बहुत, ये पेशेंट की ग्लैंड और फैट थी, ये दोनों साइड की ग्लैंड थी, ये फैट थी। ये फैट तो हम लोगों ने लाइपोसेक्शन करके निकाला, वो ग्लैंड होती है वो इतने छोटे इंसिडेंट से निकाला है। इसमें एक्चुअली में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इंसिडेंट छोटा रहता है तो ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो पेशेंट का बहुत परफेक्ट आता है। सो दिस इज नाउ, अभी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन पेशेंट को फॉलो करने हैं, अदरवाइज बाकी तो ही इज आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्क। जैसे कलेक्शन बनना वगैरह, वो सब 10-12 दिन के बाद में चांसेस नहीं रहते हैं। अभी उसको प्रॉपरली चेस्ट को डेली वॉश करना है। ओके, तो ये जो हम लोग ना इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ये रिकॉर्ड के लिए डालते हैं कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया। फिर ये इंस्टाग्राम पोस्ट है, पहले ऐसा साइड व्यू, बाद में ऐसा, पहले ऐसा बाद में ऐसा, इस तरह से। और इन सभी के फॉलोअप जो होते हैं वो हम लोग फॉलोअप सेक्शन यहाँ पर डालते हैं। ये यहाँ पर ये रहा फॉलोअप। तो फॉलोअप में आपको मैक्सिमम जितने भी पेशेंट्स हैं सबके 100 डेज के बाद में कैसा है, बाद में कैसा है, वो सारा मिल जाएगा। तो यही इस पेशेंट का भी फॉलोअप जो हम लोग यहीं पर डालेंगे, पेशेंट फॉलोअप अपने देख सकता है। सो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 2 वीक्स आफ्टर द सर्जरी, अप्रॉक्सिमेटली लाइक 10 to 12 डेज हो गया है।